छत्तीसगढ़ के बालौदाबाजार जिले में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा कई सवाल पैदा करती है। ये हिंसा इसलिए सवाल पैदा करती है क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी भी किसी डीसी और एसपी के दफ्तरों में इतना हमला नहीं हुआ और इस तरह की हिंसा देखने को नहीं मिली है। इस हिंसा में करीब 75 वाहनों को आग लगा दिया गया और कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल तक हो गए। इसके अलावा एसपी ऑफिस और डीसी ऑफिस को फूंक दिया गया। अब प्रशासन धारा 144 लगाकर कार्रवाई शुरू कर चुका है। तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है, लेकिन अभी तक उन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई जिनकी वजह से ये पूरी घटना हुई। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे वो प्रदर्शनकारियों के बीच में छिपे हुए कुछ लोग थे जिनके मन में हिंसा करने का पूरा प्लान था। दरअसल मनखे मनखे एक समान का मंत्र देने वाले सतनामी समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास ने समाज को एकता और भाईचारे से जोड़ने के लिए काम किया था। बता दें कि बाबा की तपोभूमि गिरौतपुरी में लचर कानून व्यवस्था के कारण असामाजिक तत्वों ने सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा के अंदर महकोनी मंदिर परिसर में जमकर तांडव मचाया था। इसके कारण सतनाम पंथ के मानने वाले लोग दुखी थे। बाबा गुरु घासीदास पर विश्वास करने वाले लोगों में प्रशासन और असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी आक्रोश था। हालात एक ही थे कि पुलिस की कार्रवाई होता हुआ न देखकर समाज को बाहर उतरना पड़ा और पुलिस का विश्वास समाज के ऊपर से उठ गया। यही वजह है कि जब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करके अपनी नई कहानी बताई तो उसे समाज मानने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद समाज के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी, लेकिन इससे सतनामी समाज संतुष्ट नहीं था। सतनामी समाज की ओर से बालौदा बाजार कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान किया गया। इसके मद्देनजर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई, बैरिकेटिंग लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने पर नाकामयाब रही, जिसका खामियाजा यह हुआ कि कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए लोगों को अपनी गाड़ियों से हाथ धोना पड़ा, उन्हें मोटा नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल सतनामी समाज के प्रदर्शन में शामिल असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाते हुए परिसर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ ही बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस की एक कहानी ये भी है कि सतनाम समाज के ही एक व्यक्ति के यहाँ काम करने वाले बिहार के रहने वाले 3 युवकों ने भुगतान नहीं मिलने पर गुस्से में आकर के मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। इस पर समाज के गुस्से को देखते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा के साथ ही लोगों से सामाजिक सद्भावना बनाए रखने की अपील की थी। इस अपील के बाद सोमवार को सतनामी समाज के लोगों ने बालौदा बाजार के दशहरा मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू किया। रैली के शक्ल में कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे लोगों को रोकने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन बैरिकेटिंग तोड़ दी गई और समाज के उस भीड़ के बीच में कुछ उत्पाती युवकों ने बैरिकेटिंग टूटते ही कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम जगह आगजनी शुरू कर दी, जिसमें गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। सतनामी समाज के करीब हजारों लोग इस विरोध प्रदर्शन में आए थे, लेकिन सोमवार को सभी प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। कलेक्ट्रेट परिसर में गाड़ियों को आग लगा दी गई और जैत खाम में तोड़ फोड़ का इस तरह से कुछ लोगों ने बदला ले लिया, जिसके तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से एक्शन में बदलती है, और क्योंकि जिस तरह से अब तक वीडियो दिखाए गए हैं, जिस तरह की कार्रवाई दिखाई गई है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस हर जगह कमजोर और प्रशासन पिटता हुआ नजर आया। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में कुछ कार्रवाई कर पाते ये देखने वाली भी बात होगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम में पुलिस शुरू से ही मीडिया से दूरी बना करके रखती रही और अब जब घटना हो गई है तो पुलिस अपना बचाव कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।